हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक फिर से मार्केट लीडर के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड, एक ऐसा मार्केट लीडर जिसका यूज आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, लगभग आप ये मान लो जिसके पास भी व्हीकल है, ऑटो है, ठीक है, इंजन से चलने वाली चीज़ें हैं, वो सभी लोग करते हैं। जी हाँ, अभी तक आपने नाम तो जान ही लिया होगा, थंबनेल में भी बड़े बड़े लिखे हुए हैं और टाइटल में भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, छुपाना किस बात का। जी हाँ, उस स्टॉक का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया। जी हाँ फ्रेंड, कैस्ट्रॉल इंडिया। क्या आज के डेट में कैस्ट्रॉल इंडिया आप बाई करना चाहोगे? आप बोलोगे सोया परा है, क्यों बाई करे भाई, आपका बात जायज है, लेकिन उसके अंदर जाके उसका फंडामेंटल देख करके, टेक्निकल देख करके क्या आपने ये डिसाइड किया है? ना। जहाँ तक मैं सही हूँ, 60% लोगों ने ये नहीं देखा। उन्होंने क्या देखा? चार्ट देखा, फ्लैट पर आया, इग्नोर इट। चार्ट देखा, डाउन आ रहा है, इग्नोर इट। एम आई राइट? जी हाँ, हर चीज़ देखेंगे। जिन्होंने इन्वेस्ट किया है घबरा रहे हैं, क्या घबराहट उनका जायज है? या फिर थम जाओ, थोड़ा एक्साइटेड हो जाओ, क्या आपका पैसा बढ़ने वाला है? डाउटफुल है, बिना एनालाइज किए तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम यहाँ हैं ताकि उसे स्टॉक को एनालाइज करें, उसके बारे में प्रेडिक्ट करें और सच क्या है आप तक पहुंचाएं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में बहुत कुछ है, फंडामेंटल तो है ही, टेक्निकल भी है। टेक्निकल से जानेंगे टारगेट प्राइस क्या है इसका, टारगेट प्राइस क्या है, या आपको अभी बेच देना है, या अभी अपॉर्चुनिटी है और बाइंग करने का, या फिर बाइंग को होल्ड पे लगा देना है। फंडामेंटल से जानेंगे क्या आप अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में इसको रख सकते हैं या बस भाई अब नहीं। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग फ्रेंड अपना आज का वीडियो। देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आपके सामने फ्रेंड कैस्ट्रॉल इंडिया। जी हाँ, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। सबसे पहले जान लेते भैया मार्केट कैप क्या है। तो मार्केट कैप है 12,000 करोड़ का। वेल एंड गुड, पोर्टफोलियो में मतलब आप रख सकते हो, मल्टी बैगर बनने का एक चांस है। ओके, मल्टी बैगर बनेगा कितना होगा, 10 times 20 times नियर टर्म में कितना होगा, ये भी आप जानने के लिए एक्साइटेड हो गए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो भी, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं वो भी, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो भी, जो इस पर ट्रेड करते हैं वो भी, सब कुछ जानेंगे। उसके बाद देखते हैं पी जान करके, भैया अंडर वैल्यूड है क्या? तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है फ्रेंड, आपको समझना पड़ेगा। डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा लगभग 3-4 दिन बाद, आप उसको जरूर फॉलो करना कि भैया सिर्फ पी देख करके या बुक वैल्यू और करेंट प्राइस को कंपेयर करके हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते कि कोई भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है या नहीं, या और कौन कौन सा पैरामीटर है जो हमें चेक करना चाहिए या एक सफिशियंट पैरामीटर है जिस पे हम लोग आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वरना ये वीडियो आपसे मिस हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले पी क्या है। जी हाँ, पी स्टॉक, पी स्टॉक पी है 16। तो स्टॉक पी देख करके आप अंदाजा लग गया होगा कि भैया एक अंडर वैल्यूड है, लेकिन मैंने क्या बोला अभी, कन्फ्यूजन है। कैसा कन्फ्यूजन, इस पे नजर डालो, बुक वैल्यू करेंट प्राइस, करेंट प्राइस काफ़ी ज़्यादा है फ्रेंड बुक वैल्यू से। जी हाँ, करेंट प्राइस काफ़ी ज़्यादा है बुक वैल्यू से, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे इसको ऑन एन एवरेज, एक अगर आपका कन्फ्यूजन जायज है, ठीक है, और आप वेट कर रहे हो उस वीडियो का और मेरे अकॉर्डिंग पी जो आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग अंडर वैल्यूड है, तो मान के चलते हैं ये स्टॉक एक एवरेज वैल्यू स्टॉक है, फिर भी इसमें बाइंग बनता है या नहीं बनता। ओके, आगे बढ़ते हैं, रोस देखते हैं, रोस के बारे में सारी गुत्थी सुलझाएंगे, 10 साल का भी देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे, हर कुछ देखेंगे, ठीक है। तो रोस है 67% का, अब आप क्या कहना चाहोगे इसे। ओके, आगे बढ़ते हैं, आरओई है 50% का, खुश खुश, इसको थोड़ी देर के लिए आप नेग्लेक्ट कर सकते हो ना, कर सकते हो, ठीक है। सेल्स ग्रोथ क्या है? जी हाँ, सबसे पहले 5 साल का सेल्स ग्रोथ,
5 साल का सेल्स ग्रोथ है, 5% अप्रोक्स मान, 4% भी मान सकते हो कि 4.46 है, डजंट मैटर, ठीक है, सही है, ओके। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोमोटर होल्डिंग चेंज है क्या? देखिए सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप मुझसे इस एनालिसिस से कैस्ट्रॉल इंडिया से सेटिस्फाई हो पाओगे, आपका मनी वैल्यूएबल है, मेहनत से आया हुआ पैसा है, ऐसे ही जायज नहीं करोगे आप, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रमोटर होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, बहुत राहत का, बहुत खुशी का बात है, ओके। इसके बाद देखते हैं 3 साल का, ठीक ठाक है फ्रेंड, 2.5%, ओके। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे पिछले साल का सेल्स ग्रोथ लगभग 40% है, तो ये तो इंप्रेसिव है, ठीक है। आगे और भी चीजें देखेंगे। अब देखते हैं भैया कि पिछले साल 10 साल का, पिछले 10 साल का इसका रोस क्या है, ओके, आइए चलते हैं। नाउ फ्रेंड, यहाँ पे रेशियो है, ठीक है, यहाँ पे बाकी सबको छोड़ कर समराइज वे में आते हैं और देखते हैं रोज का फंडा क्या है। रोज यहाँ पे देखते हैं भाई साहब 142, 126, 107 कंसीडर्ड, एंड लास्ट के 2 साल में ये अबाउट लगभग 50% के आसपास यहाँ पे शो हो रहा है, 57 एंड 67, जो कि यहाँ पे कम हो गया था, वापस से बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑन एन एवरेज अगर आप माने पिछले 10 साल से, तो इसका एवरेज रोज लगभग 115 से 120 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो ये यार रोज का, रोज से मैं भी सेटिस्फाइड हूँ, रोज से आप भी सेटिस्फाइड होंगे। इसके बाद क्या है दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, प्रमोटर होल्डिंग। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें अभी बाकी है इस वीडियो में देखने के लिए, एक क्या इस कंपनी में डेट है, दूसरा क्या इसका टारगेट प्राइस है। अगर टारगेट प्राइस कुछ नहीं है तो स्टॉप लॉस क्या है, या फिर निकल लो, ठीक है। आइए फ्रेंड अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। यहाँ पे आपके सामने है शेयर होल्डिंग पैटर्न, और सबसे पहले देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग, देन FII, ओके। प्रमोटर होल्डिंग नो चेंज, कंसिस्टेंट 51%। प्रमोटर होल्डिंग ने कोई चेंज नहीं किया, काफी राहत का बात है, अच्छा बात है। रोज बेहतरीन है, पी अंडर वैल्यूड है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है करंट प्राइस और बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो, पिछले 3 साल के सेल्स थोड़ा सा डाउन है, लेकिन पिछले साल से जो इसका सेल्स ग्रोथ देखने के लिए मिला है, इंप्रेसिव, दैट्स ऑसम, ओके। बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी के आने वाले फ्यूचर पे डिपेंड करती हैं कि उसका ग्रोथ कैसा है क्या नहीं है। एक शेयर है सारेगामा, उस पर वीडियो आने वाला है मेरा, देखना मत भूलिएगा। उसका ग्रोथ, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट आज आपके पैसे को लगभग 30 से 40 गुना 2 साल में कर गया होगा, लेकिन पिछले 10 साल पहले किसी ने उसमें इन्वेस्ट किया होगा, उसका पैसा अब जाकर के पूरा का पूरा उसको रिटर्न मिला होगा, प्लस उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि अचानक से ये ब्रेकआउट और इतना बड़ा प्रॉफिट। वो था अंडर वैल्यूड स्टॉक, ऐसा क्या खास था, ये तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उसके जीरो से लेकर के देखेंगे कि आने वाले समय में क्या है, ऐसा क्या है उसके पास, पेटेंट गाने तो हैं, उसके अलावा और भी क्या है, ठीक है। तो कंपनी का फंडामेंटल टेक्निकल देखने के साथ साथ उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव भी देखना, उसका फ्यूचर भी देखना एक एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है। नाउ यहाँ पे उसके बाद FII देखते हैं। FII कंसिस्टेंट अपना होल्डिंग बढ़ाए हुए है, जबकि ये पिछले 2 साल में अपना होल्डिंग 1% से इंक्रीज किया है। यहाँ पे 2019 में 11 का था और यहाँ पे अब 12 का है, एग्जैक्टली 1% का डिफरेंस है, ओके। अब चलते हैं अपने दूसरे पहलू पे और जानते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस कंपनी में डेट है या नहीं। आते हैं प्रोस पे और देखते हैं कंपनी इज ऑलमोस्ट फ्री पहले नंबर पे, ठीक है। इसको मैं एग्जैक्टली आप निकलेक्ट ही कर देना मेरे हर वीडियो में, क्योंकि मैं इसको एक्सपेक्टेड जो है, एक्सपेक्टेड सब में लिखा आता है ऑलमोस्ट, तो एक्सपेक्टेड को आप निगलेक्ट करो, ओके। उसके बाद यहाँ पे है 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन फ्रेंड, 52% का ROE इसने दिया है 3 साल में, ओके। और आप समझ सकते हो कितना रिटर्न आपको मिला होगा अगर आप इसमें इन्वेस्ट किए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिविडेंड बेहतरीन हेल्दी डिविडेंड है यहाँ पे शो कर रहा है, लगभग 77% का हेल्दी डिविडेंड,
और क्या चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको मिल गया 52% का और डिविडेंड भी मिल गया आपको 77% का। सोने पे सुहागा, इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। ठीक है, निकले थे हम इक्विटी से प्रॉफिट कमाने और कंपनी ने आपको बोनस में पकड़ा दिया डिविडेंड भी। अब हो गया इन्वेस्टर बल्ले बल्ले, भैया और इसमें इन्वेस्ट करो, ऐसा सोच रहे होंगे। तो क्या और इन्वेस्ट कर सकते हो या आपको निकलना है? ओके, ये जो कौन सा फ्रेंड मैंने आपको बता दिया है कि यहां पे जो बुक वैल्यू है आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो वेट करो मेरा नेक्स्ट वीडियो का, उसमें उसको देखोगे तो ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। सेल्स ग्रोथ ऑन एन एवरेज ठीक है, यहां इसने कौन से में डाल रखा है। ओके, डेट हो गया डेट फ्री कंपनी, प्रमोटर होल्डिंग नो चेंज, एफआईए ने अपना पैसा बढ़ाया है, पी 16, बुक वैल्यू और करंट प्राइस में लिटिल बिट डिफरेंस है, सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है, पिछले साल का सेल्स ग्रोथ बेहतरीन है। ठीक है, डिविडेंड पे आउट बेहतरीन है, आरओई ऑसम है, ओवरऑल कंपनी पैरामीटर पे सेटिस्फाई हो रही है। अब देखते हैं इसका चार्ट, क्या ये 90 डिग्री से बूस्टअप किया है, फ्लैट है, डाउन ट्रेंड है? अगर डाउन ट्रेंड है तो रिटर्न का चांस है या फिर बैठने ही वाला है। ये हमारे सामने मैक्स चार्ट ओपन है फ्रेंड कैस्ट्रॉल इंडिया का। ठीक है, आज से अगर 10 साल पहले का बात करते हैं, लगभग 15 साल पहले का बात करते हैं, तो इसका प्राइस अराउंड 20-25 के आसपास का था। ओके, वहां से इसने अपना ग्रोथ जो है मेंटेन रखा और लगभग 275 रुपए का प्राइस इसने अचीव किया और वो अचीवमेंट लाजवाब है फ्रेंड। ठीक है, आपको शायद डेट ना दिखाई दे रहा हो इसलिए मैंने चार्ट को यहाँ पे बेहतरीन इसने ग्रोथ यहाँ पे किया और 10 साल में अपने इन्वेस्टर को 10 टाइम्स का रिटर्न दे डाला। ओके, 2005 से जो इसने जर्नी शुरू किया था 20 रुपए से, यहाँ पे लगभग 270-275 रुपए टच किया और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड इसने फॉलो किया। ठीक है, अब क्या है, ये लगभग अपने 6 साल से एक डाउन साइड बना रहा है, तो क्या अब उस समय आ गया है कि अब इसका डाउनसाइड खत्म हो गया या फिर अभी भी आ सकता है? ठीक है, तो ये जानते हैं भैया है क्या। अब इसका सपोर्टिंग लेवल यहां पे देखते हैं, इसका सपोर्टिंग लेवल है 100। ओके, उसके नीचे पिछले 12 साल में ये कभी नहीं गया, उसके पिछले 12 साल में उस सपोर्टिंग लेवल के पीछे नीचे कभी नहीं गया। ओके, और इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है बहुत ही क्रूशियल, वो है 150 का, उसके ऊपर भी लगभग ये फ्रेंड 2 साल से नहीं गया। ठीक है, उसके ऊपर भी ये 2 साल से नहीं गया। अब यहाँ पे देखो एक परफेक्ट ट्रायंगल इसने अभी बना रखा है, इसने क्या किया है, एक परफेक्ट ट्रायंगल फ्रेंड यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, अब इस ट्रायंगल का दिन हो गया है पूरा, क्योंकि यहाँ पे एक बन गया ट्रायंगल, अब एक शानदार सा ब्रेकआउट अपवर्ड आने वाला है, ऐसा डेटा देख करके प्रेडिक्शन किया जा रहा है। ओके, हमारा काम क्या है, प्रेडिक्शन एक्यूरेट करना, परसेंटेज ऑफ प्रेडिक्शन हाई हो, मतलब क्या, अगर हम कोई प्रेडिक्ट कर रहे हैं चार्ट का और डेटा के अकॉर्डिंग, तो प्रेडिक्शन मेरा ज्यादा से ज्यादा सही हो, ये अनुमान की प्रोबेबिलिटी हमारा अच्छा हो, तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का चांस कई हद तक बढ़ जाता है। ठीक है, प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है, जो भी हमारे पास डेटा है उसको प्रेडिक्शन किया जाता है। यहाँ पे कभी भी अजम्पशन नहीं किया जाता, अजम्पशन मतलब सोच, मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, मुझे लगता है ये हो जाएगा, मुझे लगता है वैसा हो जाएगा, नो, प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन कब होता है, डेटा पे। ठीक है, तो यहां से फ्रेंड जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये आ रहा है, अब ये देखते हैं कि क्या ये ब्रेकआउट देने वाला है अप ट्रेंड या अभी डाउन ट्रेंड जाएगा और इस ट्रायंगल के एक अच्छे खासे इंडिकेटर को फॉल साबित कर सकता है। ठीक है, मार्केट में कोई कभी एक्यूरेट होता नहीं है, सारा खेल प्रोडक्शन का होता है। ओके, यहां पे देखते हैं ये अच्छा, यहाँ पे जैसा कि पहले बताया मैंने, 100 का यहाँ पे इसका सपोर्टिंग लेवल था, 150 का इसका रेजिस्टेंस लेवल था। अब भी शॉर्ट टर्म में देखें तो इसका लगभग 130 का सपोर्टिंग लेवल है फ्रेंड और एग्जैक्टली वहां पे मूव कर रहा है। ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बात करें तो आज थोड़ा सा रिकवरी देखने के लिए मिला है, लेकिन
मिड ऑफ डे काफी डाउन था, शुरुआत में भी निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट था लेकिन दमदमा के गिर गया। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे एक चांस है, यहाँ पे एक होप है कि इसने एक ट्रायंगल बनाया है तो यहाँ से रिकवरी आ सकता है। लेकिन अभी क्या है, इसके साथ जो भी है फ्रेंड, हम लोग सारा फंडा यहाँ क्लियर करके जाएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना बना रहे, ठीक है। यहाँ पे एक इसने चैनल बनाया हुआ है, एक चैनल के रूप में मूव कर रहा है, एक चैनल में मूव कर रहा है, तो क्या इस चैनल को अभी ये ब्रेक कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे एक चैनल है, अब यहाँ पे देखो 100 के प्राइस को टच किया, 150 के प्राइस को टच किया, अभी अराउंड 130 चल रहा है, तो मे बी 100 रुपए को वापस टच करे, ठीक है, मे बी टच करे। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप इस स्टॉक में फॉर एन एग्जाम्पल ओवरऑल सिनेरियो जो कंपेयर किया जाता है वो 100 से किया जाता है, तो मैं मान रहा हूँ कि अगर आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं इसमें, हालांकि 100 रुपए में तो एक भी शेयर नहीं आएगा, चलो मान लेते हैं 1000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं इसमें, ठीक है, 1000 रुपए अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो मेरे अकॉर्डिंग अभी आपको यहाँ पे 60-70% बाई करना चाहिए और 100 रुपए पे आपको जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करना है कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी सारे के सारे ऑल टाइम हाई पे थे, वहाँ से करेक्शन आ रहा है, फॉल्स राइज का एक करेक्शन अभी मार्केट में चल रहा है और अब वो टाइम है जब बजट के बाद करेक्शन आना शुरू हुआ है। बजट के बाद मार्केट 2 दिन बढ़ा, उसके बाद गिर क्यों रहा है, बहुत बड़ा रीजन है, अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये गिरा है, ओके, अब यहाँ पे आप इसमें अपने 60-70 फंड डिप्लॉय कर सकते हो फॉर अ टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, ठीक है, जिनको 15-20 दिन एक महीना में 10-15% 5% रुपए चाहिए, वो यहाँ पे कर सकते हैं विथ अ टारगेट, फर्स्ट टारगेट ऑफ 150। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है आप इसका फंडामेंटल ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव प्रमोटर होल्डिंग आरओई डिविडेंड पी हर चीज जानने के बाद, इसका टेक्निकल चार्ट जानने के बाद, रिटर्न जानने के बाद आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये स्टॉक 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है तो आप देख सकते हो कि ये प्राइस लगभग 600+ जा रहा है, ओके, 600+ जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसने एक ट्रायंगल के इंडिकेटर को भी साबित किया है, जिसके बाद एक अपवर्ड सडन राइज आने का प्रोबेबिलिटी, एक ब्रेकआउट आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ओके, तो यहां से एक ब्रेकआउट आ सकता है, आपका पैसा कंपाउंड बहुत जल्दी हो सकता है, ओके, तो ये रहा हमारा टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल, सब कुछ आपके सामने रखा, क्या इस स्टॉक के साथ है और इस स्टॉक के साथ क्या नहीं है, क्या मेरिट है, क्या बग है, क्या डिमेरिट है, क्या प्रोज है, क्या काउंस है, क्या है इसके साथ, क्या टारगेट प्राइस है, फ्री हो सकता है, नीचे गिर सकता है, इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए क्या टारगेट है, सब कुछ आपके सामने रखा। अब आपको डिसाइड करना है कि भैया क्या है इसमें, क्या चल रहा है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, 2 वीडियो बहुत जल्द आने वाला है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आप स्टॉक मार्केट में अपना वेल्थ कंपाउंड करें, पैसे कंपाउंड करें, राइज करें और रिस्क मिनिमाइज करें। तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।